हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। मैं हूं अभी और आज आपके लिए लेकर आया हूं सी जी टेट 2019 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सी जी टेट 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म पर और सबसे पहले बोर्ड जो भी निर्देश दिया है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही फिल करेंगे ताकि फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना रह पाए। तो सबसे पहले हमारे सामने खुल के आ रहा है, दिया हुआ है कृपया केवल अंग्रेजी में ही आवेदन पत्र भरें, बाकी दूसरे भाषा में मान्य नहीं होगा। सावधानीपूर्वक आवेदन की प्रविष्टियों को भरें, बाद में त्रुटि सुधारें मान्य नहीं होगी। बोर्ड का कहना है कि जो भी भरना है सो एक बार में मतलब सही भरना है, उसके बाद अगर गलत आप फॉर्म फिल किए हैं और सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं उसके बाद कोई भी त्रुटि में सुधार नहीं की जाएगी, उसके लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसलिए जो भी अभी भरना है उसको मतलब त्रुटि का सही करके ही भरना है। तो चलिए आगे देखते हैं। डू यू हैव डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन और हैव यू अपियर्ड इन फाइनल ईयर डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री पे क्लिक करना है, अगर आपने डीएलएड किया है या डीएड किया है या टीचर ट्रेनिंग किया है तो डिप्लोमा पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, अगर आप 1 से 5 तक के लिए भरना चाहते हैं, अगर आपने डीएड किया है या टीचर ट्रेनिंग किया है तो प्राइमरी टीचर पे टिक करना होगा। आपने अगर बीएड किया है तो 6 to 8 में टिक करना होगा अपर प्राइमरी में, और अगर आप डीएड और बीएड दोनों किए हैं तो आप बोथ प्राइमरी में भर सकते हैं। फॉर अपर प्राइमरी सिलेक्ट वन सब्जेक्ट इन कम्बिनेशन, अगर आप अपर प्राइमरी को मतलब टिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा साइंस के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आप साइंस के होंगे तो साइंस एवं मैथ में क्लिक कीजिएगा, अगर आर्ट्स के होंगे तो सोशल स्टडीज़ में कीजिएगा। तो चलिए मैं तो यहाँ पे प्राइमरी कर रहा हूँ। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है, उसके बाद अपने फादर मदर हस्बैंड जिसका भी नाम देना चाहते हैं आप उनका नाम दे सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जिनका भी आप नाम देना चाहते हैं उनका सिलेक्ट करके उनका नाम नीचे रिलेटिव में दे सकते हैं। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, उसके बाद जेंडर फिल करना है, उसके बाद सी जी डोमिसाइल। ये यहाँ पर क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं वो एस फिल करेंगे और जो अन्य राज्य के रहने वाले हैं वो नो यहाँ पे फिल करेंगे। कास्ट जो है वो अन्य राज्य के लिए जनरल ही रहेगा, बाकी जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले वो अपना कास्ट चूज कर सकते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। पीएच कैंडिडेट, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको एस फिल करना है, और पीएच कैंडिडेट नहीं है तो नो फिल करना है। अपना जो फिर हाइट है वो हाइट यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, वेट जो वेट फिल कर दीजिएगा। एक वन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है कि आपका पहचान क्या है, कहीं पे कट है कहीं पे मोल है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद जो भी अपना करेंट एड्रेस है, उसके बाद एग्ज़ाम सिटी चूज करना है जो आपके घर के नज़दीक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है फोटोग्राफ को अपलोड करना, फोटोग्राफ सिग्नेचर नेम थंब इम्प्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो फॉर्मेट बना के रखा है, या हो सकता है आप अपने से भी खुद से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट में यही है कि फोटोग्राफ सबसे ऊपर रहेगा, सिग्नेचर उसके बाद आएगा, नाम उसके बाद आएगा, थंब इम्प्रेशन उसके बाद रहेगा। चलिए मैंने बनाया है तो उसे आप देख लें, और 40 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए तभी सपोर्ट लेगा। तो चलिए मैंने बनाया हुआ है उसको अपलोड करके दिखा देता आपको। अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो देखिए मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, और फोटो भी अपलोड हो चुका है, आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ उसको पढ़ लेता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता हूँ, मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन
दर्शित नियमों को व्यापक को नियमों को पढ़ाया है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थता समाप्त की जा सकती है। तो आइए इसके बाद पढ़ने के बाद आइए एग्री पे क्लिक कर देना है। जो भी कैप्चा है इसको फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देना है। तो मेरे सामने नया पेज खुल चुका है। इसमें लिखा हुआ एक बार आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन करेक्शन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करेक्शन करना चाहता है तो उसे नया आवेदन करना होगा एवं अंतिम आवेदन ही मान्य किया जाएगा तथा पूर्व के सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अगर आपसे कोई भी गलती, अगर फॉर्म भर चुके हैं और फी पे कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती रह गई है तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं और फी से दोबारा पे करना होगा आपको जो भी एप्लीकेशन फी है। ध्यान रहे कि उत्तर शीट OMR आंसर शीट में जन्म तिथि श्रेणी वर्ग आदि प्रविष्टियों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। फिर मेरिट सूची जारी की जाएगी। एक बार मेरिट सूची जारी होने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट अपने पास रखना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स यह था CGTE 2019 का फॉर्म फिल करने का पूर्ण जानकारी। अगर अब भी आपको कुछ मिस हो गया होगा जैसे पेमेंट करना, तो हमें तो फॉर्म फिल करना नहीं था इसके लिए मैंने पेमेंट कर बताया नहीं अगर, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना और वीडियो आपको कैसा लगा हो सके तो कमेंट कर बता सकते हैं। जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।